आप सीधे रुख करते हैं रोहतक का। मनोरंजन, आप कांग्रेस की राजनीति, जो हरियाणा की राजनीति है कांग्रेस की, उसके एपिसेंटर में है, क्या इस वक्त हम कह सकते हैं कि इतनी तैयारी हो चुकी है कि आप एक भावी मुख्यमंत्री के घर के सामने खड़े हैं? वो रोहतक है इसलिए मैं भाग के यहाँ आ गया हूँ आप सबको छोड़ के। आप कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। ये हुडा साहब का रेसिडेंस है, आप यहाँ से शुरू करते हैं। ये पोस्टर देख लीजिए, दीपेंद्र हुडा सांसद, हरियाणा का विकास कराना है, फिर से हुडा साहब को लाना है। एक और पोस्टर दिखाता हूँ। ये सारे पोस्टर जो है अपने आप में बहुत चीज़ बयां कर रहे हैं। सब में आप देखिए दीपेंद्र है, जन जन की यही पुकार है, अब की बार हुडा सरकार है, आ रही है कांग्रेस। तो ये सारे जो हैं इंडिकेशंस हैं, और ये इंडिकेशंस इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ संकेत दे रहे हैं। आप सभी पोस्टर में देख सकते हैं दीपेंद्र का कद जो है वो काफ़ी जो है बड़ा एक तरह से कर दिया है इस चुनाव ने। अब सरकार जो आंकड़ों की बात कहें तो कांग्रेस को लगता है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है वो इस बार कांग्रेस की सरकार यहां आ रही है। मेजोरिटी कितनी बड़ी होगी इस बात की चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि चूंकि हुडा साहब ने लीड किया है इस कैंपेन को तो वही चेहरा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने किसी के नाम की घोषणा नहीं की। अब ये थोड़ा अंदर लेके आता हूँ, ये बाहर का नज़ारा था जो हुडा साहब की कोठी है रोहतक में। अब अंदर देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। तो मीडिया जो है वो सूंग लेता है कि खबर कहाँ है और कहाँ सबसे ज़्यादा हलचल होनी है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है और लोग यहाँ पर पहले से जमा हैं, और इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि जो थोड़ी देर बाद जो मतगणना शुरू होगी उसके बाद जो उससे जो निकलने वाला है ईवीएम से नतीजे, उसके लिए यहाँ पर तैयारी कर दी गई है। आप लोग यूथ कांग्रेस हैं, कितनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जीत तो बहुत बड़ी है, 90 में 90 सीट भी मार सकते हैं, 85 भी मार सकते हैं। बात ये कहना चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का मूर्खत्व ये हुड्डा जी खत्म करने के लिए इस इलेक्शन में बंपर मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भीड़ जो है काफ़ी यहाँ पे जुटनी शुरू हो गई है और सबको उम्मीद है कि नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के हक में होंगे और जो है भूपेंद्र सिंह हुडा जो है वो लीड करेंगे और इस पार्टी को और उनकी सरकार बनेगी। तो ये एक छोटा सा नज़ारा था यहाँ पे, आपको मैंने दिखाने की कोशिश की कि अभी क्या स्थिति है इस वक्त।